नमस्कार दोस्तों, बैट एंड बॉल बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नितेश कुमार की रोमांचक क्रिकेट यात्रा, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन, और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, यहां आपको क्रिकेट और स्पोर्ट्स से जुड़े सारे अपडेट्स मिलते हैं। नितेश कुमार की कहानी, एक रोमांचक सफर, जन्म और प्रारंभिक जीवन। नितेश कुमार का जन्म 21 मई 1994 को ओंटारियो में हुआ था। नितेश कुमार की क्रिकेट यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण रही है। 2005 में एक कार दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई और नितेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे के बावजूद उन्होंने अपने करियर को सवारने में सफलता पाई। करियर की शुरुआत, टीम में बदलने का हुनर। नितेश ने अंडर 15 लेवल पर अमेरिका और फिर कनाडा के लिए क्रिकेट खेला। उन्होंने 2010 में अफगानिस्तान के खिलाफ ODI डेब्यू किया था, जब उनकी उम्र 15 साल और 273 दिन थी। उन्होंने कनाडा के लिए 16 वनडे और 18 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले और कुछ मैचों में टीम की कप्तानी भी की। 2011 वर्ल्ड कप में नितेश ने सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में भाग लिया था। तब उनकी उम्र 16 साल और 283 दिन थी। USA का सफर, नितेश ने माइनर क्रिकेट लीग में माध्यम से USA टीम में जगह बनाई और अप्रैल 2024 में अपनी पुरानी टीम कनाडा के खिलाफ मैच से USA के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्रदर्शन। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हारिस रऊफ की आखिरी गेंद पर चौका मारकर मैच को सुपर ओवर में पहुंचाया और अंत USA ने यह मैच जीता। क्रिकेटिंग रिकॉर्ड, वनडे इंटरनेशनल 16 मैच 217 रन और 2 विकेट, T20 इंटरनेशनल 24 मैच 532 रन 7 विकेट, फर्स्ट क्लास 15 मैच 644 रन 11 विकेट, लिस्ट ए 79 मैच 2114 रन और 29 विकेट, T20 40 मैच 748 रन और 12 विकेट। नितेश कुमार के इस सफर के यह स्पष्ट है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें हार नहीं मानी और अपने खेल के प्रति जुनून बनाए रखा। अब वह USA के लिए T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचा रहे हैं और भविष्य में भी उनकी उपलब्धियों से क्रिकेट प्रेमियों को और भी रोमांचित करेंगे। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।